हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल रास्ता यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा IRCTC से रिलेटेड 3 लेटेस्ट अपडेट। पहला लेटेस्ट अपडेट जो होगा वो ट्रेन को सही टाइमिंग पर चलाने का होगा। दूसरा लेटेस्ट अपडेट जो होगा वो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन 18 के बारे में होगा। और तीसरा लेटेस्ट अपडेट जो होगा वो दिल्ली से मुंबई और कोलकाता 12 घंटे में होगा। ट्रेन से ट्रेवल मतलब ट्रेन की यात्रा जो होगी वो सिर्फ 12 घंटे की होगी। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट होने वाला है ये आपके लिए। तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जल्दी से आपको दिखाते हैं कि तीनों लेटेस्ट अपडेट क्या निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहां पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और पहला लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हैं, रेलवे सभी जोन को भेजा ट्रेन टाइम से चलाने का एक्शन प्लान। राजधानी शताब्दी की होगी लाइव मॉनिटरिंग। आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर IRCTC और इंडियन रेलवे इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है इस कंप्लेंट को लेकर के कि कोई भी ट्रेन टाइम से नहीं चल रही है। आप देख रहे होंगे अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं परमानेंट तो आप देख रहे होंगे ज़्यादातर ट्रेनें लेट चल रही हैं। इस कंप्लेंट को लेकर के यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक्शन प्लान तैयार किया गया। एक्शन प्लान ये है कि जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं अब वो ट्रेन के इंजन में ट्रेवल करेंगे। आपको बता दें कि ट्रेन के इंजन में ट्रेवल करके वो एकदम बारीकी से उसकी जाँच करेंगे कि क्या वजह है ट्रेन लेट होने की। तो बिल्कुल लाइव मॉनिटरिंग करेंगे इंजन में बैठ करके, ड्राइवर के साथ बैठ करके। दोस्तों अब देखना ये होगा कि इस एक्शन प्लान का कितना ज्यादा असर होता है रेलवे के ऊपर। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या इसका असर होगा या नहीं होगा। बढ़ते हैं यहां पर दूसरे लेटेस्ट अपडेट की तरफ। आपको बताना चाहते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली के तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो बनाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा खास बनाई गई है। उसमें पेंट्री कार बड़ी की गई है और यहाँ पर आपने देखा होगा कि शीशे के ऊपर पत्थर फेंकते थे पत्थरबाज, जिससे शीशे टूट जाते थे। तो इस तरह के शीशे लगाए गए हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में कि वो शीशे अब पत्थर मारने पर नहीं टूट पाएंगे। और अपडेट ये है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस भी नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर ही चलाई जानी है। अभी इसका रूट तय नहीं हो पाया है, इसलिए नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर ही ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। दोस्तों इस दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बढ़ते तीसरे लेटेस्ट अपडेट की तरफ। दिल्ली से मुंबई कोलकाता अब सफ़र होगा 12 घंटे में। 12 घंटे में कैसे होगा दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन प्लान। यहाँ पर आपको बता दिया मैंने कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 तो दूसरी रैक आ चुकी है, दूसरी ट्रेन आ चुकी है। अब यहाँ पर आएगी नई स्लीपर क्लास की ट्रेन 19। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेन 18 का ही पूरा वर्जन होगा, वो बिल्कुल देखने में वैसी ही होगी, लेकिन ट्रेन 19 की खासियत ये होगी कि जैसे कि ट्रेन 18 में चेयर कार लगाई गई है, सिर्फ बैठने वाली सीट लगाई गई है, इस तरह से ट्रेन 19 में स्लीपर क्लास भी लगाए जाएंगे। मतलब कि स्लीपर लेटने वाले क्लास लगाए जाएंगे कि लेट के ट्रेवल हो सकेगा, तो 12 से 15 घंटे का ट्रेवल भी आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ पर दिल्ली मुंबई और कोलकाता रूट की जितनी ट्रेनें हैं सबसे ज़्यादा फास्ट यही ट्रेन चलने वाली है, 12 घंटे में ये ट्रेवल कर जाएगी। दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।